सो हे गाइस, दिस इज जतिन एंड यू आर वाचिंग बॉली व्यूज। दोस्तों, बंगाली मूवी बहु रूपी के 20 दिनों के इंडिया के टोटल नेट कलेक्शन के अपडेट्स आ चुके हैं। आइए जानते हैं कि मूवी ने 20 दिनों में इंडिया में अब तक टोटल कितना नेट कलेक्शन कर लिया है। मूवी ने इंडिया में अपनी जो ओपनिंग का नेट कलेक्शन करी थी, मूवी को रिलीज किया गया था 8 अक्टूबर 2024, मूवी को ट्यूसडे के दिन दुर्गा पूजा के मौके पर रिलीज किया गया था। मूवी ने डे वन ट्यूसडे को अपनी 8 अक्टूबर को जो ओपनिंग कलेक्शन करी वो थी 35 लाख की। मूवी ने इंडिया से अपने फर्स्ट वीकेंड पर टोटल कलेक्शन किया 3 करोड़ 75 लाख का। मूवी का फर्स्ट वीकेंड था टोटल 6 दिनों का। मूवी ने इंडिया से अपने फर्स्ट वीक पहले हफ्ते में टोटल नेट कलेक्शन किया था 5 करोड़ 15 लाख रुपए, 5 करोड़ 15 लाख का। मूवी का पहला हफ्ता टोटल 10 दिनों का था। मूवी ने अपने सेकेंड वीक में इंडिया में टोटल नेट कलेक्शन किया 2 करोड़ 52 लाख, 2 करोड़ 52 लाख का। तो इसी के साथ मूवी का जो पहले 2 हफ्तों का इंडिया का टोटल जो नेट कलेक्शन हुआ था वो था 7 करोड़ 67 लाख रुपीस का। अब बात करते हैं मूवी का डे 18 का कलेक्शन, डे 19 का कलेक्शन और डे 20 के कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो मूवी का डे 18 यानी कि थर्ड फ्राइडे, मूवी का डे 18 का कलेक्शन आया 13 लाख 13 लाख रुपीस का। मूवी का डे 19 यानी कि थर्ड सैटरडे का जो कलेक्शन आया वो था 54 लाख 54 लाख रुपए का। और मूवी का डे 20 यानी कि थर्ड संडे का जो कलेक्शन आया वो था 74 लाख यानी कि 74 लाख रुपीस का। जिसके साथ मूवी का इंडिया का टोटल 20 डेज का जो नेट कलेक्शन हो जाता है वो है 9 करोड़ 8 लाख रुपीस का, 9 करोड़ 8 लाख रुपए का। ये तो था नेट कलेक्शन। अगर मैं पहले 20 दिनों के ग्रॉस कलेक्शन की बात करूं, ग्रॉस यानी कि जिसमें टैक्स जीएसटी इंक्लूड हो जाता है, तो वो हुआ है 11 करोड़ 4 लाख रुपए, 11 करोड़ 4 लाख रुपीस का। बता दें कि इसी कलेक्शन के साथ बहुरूपी मूवी साल 2024 की पहली ऐसी बंगाली मूवी बन चुकी है जिसने 10 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। जाते जाते रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।